हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर आ रही है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर के कि यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम्स कब तक हेल्ड करवाने वाली है। इस पर बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ लोग इस तरह से बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी पर एक ऑफिशियल अपडेट आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसमें कई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें CCSU के बारे में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, और उससे संबंध जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उनको 30 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। यानी कि 30 मई तक उसमें गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं उसको घोषित कर दिया गया है, और इस दौरान कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। और कोरोना की स्थिति सामान्य होती है तो जो बची हुई परीक्षाएं हैं, वार्षिक परीक्षाएं, उनको 15 जून के आसपास शुरू किया जा सकता है। ये CCSU के अपडेट्स हैं। कोरोना के चलते विद्यालयों को ऑलरेडी 15 तारीख तक बंद कर दिया गया था, और शासन के अनुसार जो ऑनलाइन कक्षाएं थी उनको भी बंद कराने का आदेश दिया गया है, और विश्वविद्यालय में एक तरह से घोषित कर दिया गया है कि 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। और इसी के बारे में अपडेट देते हुए वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बताऊं, तो वहां के कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य की अध्यक्षता में शनिवार की बैठक में 1 मई से लेकर के 31 मई तक गर्मियों की छुट्टियां लेने का निर्णय किया गया है। और COVID-19 महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालय शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सख्त कदम उठा रही है, और महाविद्यालय और महाविद्यालय की मुख्य परीक्षाएँ और सेमेस्टर की परीक्षाओं का निर्णय आगे की परिस्थितियों और शासन के दिशा निर्देशों को देख करके लिया जाएगा। और उन्होंने भी ये कहा है कि विवी की जो परीक्षाएं थी या काउंसलिंग ऑफ इंडिया के मानक के अनुसार कराई जाएंगी सारी परीक्षाएं, और शासन के 15 मई तक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को बंद रखने के जो आदेश दिया गया था, जो पाठन बंद करने का निर्देश दिया गया था, उस पर सख्ती से पालन किया जाएगा, और साथ ही ग्रीष्मकालीन अवकाश भी उसके साथ जोड़ करके 31 मई तक अवकाश निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद परीक्षाएँ, देखिए पूरी तरह से बताया गया है कि परीक्षाएँ काउंसलिंग ऑफ इंडिया के मानक के अनुसार ही तय की जाएगी, और उसी के अनुसार आपकी परीक्षाएँ होंगी। यानी कि परीक्षाओं को लेकर के पूरी अपडेट है कि आपकी एग्जाम्स होने वाले हैं, बस 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है, जिससे कि ये COVID-19 सिचुएशन भी थोड़ा सा कम हो सके, थोड़ा सा उसको भी हैंडल किया जा सके। और इस सिचुएशन से बाहर आकर के देखा जाएगा तो उस हिसाब से CCSU में 15 जून तक की बात की जा रही है कि अगर जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य रहती हैं तो 15 जून तक परीक्षाएँ ली जाएंगी। और उसी तरह से अगर आप बात कर लेंगे वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी जो पूर्वांचल में है, जौनपुर में, उसमें भी इसी तरह की बात किया जा रहा है कि अगर COVID-19 सिचुएशन उस समय तक सही रहता है तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे जो भी चीज़ें करनी होंगी, एग्जाम्स हेल्ड कराए जाएंगे, और पूरी तरह से काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने भी मानक हैं उन सभी मानकों को पूरा करते हुए एग्जाम्स करवाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर थी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए सारे लोगों के पास, ताकि सभी लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।